दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बैंक में एफडी करने वालों के लिए एक जरूरी अपडेट के बारे में। आरबीआई ने एफडी के नियमों में किए बड़े बदलाव, तो आइए जानते हैं इन बदलावों को सरल भाषा में। दोस्तों अगर आप भी एफडी में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए है कि आरबीआई ने एफडी के नियम को बदल दिया है। आरबीआई ने एफडी से जुड़े नियमों में कुछ समय पहले ही बदलाव कर दिया है और ये नए नियम प्रभावी भी हो चुके हैं। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाए जाने के फैसले के बाद कई सरकारी और गैर सरकारी बैंकों ने भी एफडी पर ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसलिए एफडी कराने से पहले ये खबर आपको जरूर जाननी चाहिए, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। एफडी की मैच्योरिटी पर बदले नियम। आरबीआई ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी के नियम में बड़ा बदलाव ये किया है कि अब मैच्योरिटी पूरी होने के बाद अगर आप राशि को क्लेम नहीं करते हैं तो आपको इस पर कम ब्याज मिलेगा। ये ब्याज सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज के बराबर होगा। अभी आमतौर पर बैंक 5 से 10 साल की लंबी अवधि वाले एफडी पर 5% से ज्यादा ब्याज देते हैं, जबकि सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरें 3% से 4% के आसपास होती हैं। अब आरबीआई ने जारी किया ये आदेश। आरबीआई की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार अगर फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योर होता है और राशि का भुगतान नहीं हो पाता है या इस पर दावा नहीं किया जाता है तो उस पर ब्याज दर सेविंग अकाउंट के हिसाब से या मैच्योर्ड एफडी पर निर्धारित ब्याज दर जो भी कम हो वो दी जाएगी। ये नया नियम सभी कॉमर्शियल बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों में जमा पर लागू होंगे। आइए जानते हैं क्या कहते हैं नियम। दोस्तों मान लीजिए कि आपने 5 साल की मैच्योरिटी वाला एफडी कराया है जो आज मैच्योर हुआ है, लेकिन आप ये पैसा नहीं निकाल रहे हैं, तो इस पर दो परिस्थितियां होंगी। पहली ये कि अगर एफडी पर मिल रहा ब्याज उस बैंक के सेविंग अकाउंट पर मिल रहे ब्याज से कम है तो आपको एफडी वाला ब्याज ही मिलता रहेगा। दूसरी ये कि अगर एफडी पर मिल रहा ब्याज सेविंग अकाउंट पर मिल रहे ब्याज से ज्यादा है तो आपको सेविंग अकाउंट पर मिल रहा ब्याज मैच्योरिटी के बाद मिलेगा। क्या था पुराना नियम? पहले जब आपकी एफडी मैच्योर हो जाती थी और अगर आप इसका पैसा नहीं निकालते थे या इस पर दावा नहीं करते थे तो बैंक आपकी एफडी को उसी अवधि के लिए आगे बढ़ा देता था जिसके लिए आपने पहले एफडी की थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैच्योरिटी पर पैसा नहीं निकालने पर उस पर एफडी का ब्याज नहीं मिलेगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप मैच्योरिटी के बाद अपनी एफडी का पैसा तुरंत निकाल लें। तो दोस्तों ये जानकारी थी एफडी के बारे में और ये नियम आरबीआई ने लागू कर दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।